हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे होंगे यहाँ पे, जो आप लोग सब उसके लिए वेट कर रहे थे, जैसे कि बिग बिलियन डे सेल एंड अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डे सेल। तो ये सेल आज रात 12 से स्टार्ट होने जा रहा है, प्लस मेंबर्स के लिए जो है फ्लिपकार्ट पे, और प्राइम मेंबर्स है जिस जो है अमेजॉन पे। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूँ, जिसमें आप लोग प्रोडक्ट सोल्ड आउट होने के पहले ही, बिकॉज ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इस सेल के लिए वेट करता है, लोग एक एक साल वेट कर रहे हैं प्रोडक्ट का प्राइस लो होने पे खरीदने के लिए। तो इस वीडियो में आपको प्रो टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे आप प्रोडक्ट सोल्ड आउट होने से पहले ही उसको खरीद सकते हैं इजी तरीके से, जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ कोई प्रोडक्ट लेने के पहले इन सेल्स में। तो चलो शुरू कर, जो है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो ही आप इस सेल को देखें, अदरवाइज आप जैसे प्राइस कम हो रहा है या कुछ दिखा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, या कुछ एडवर्टाइज कर रहे हैं यहाँ टीवी पे या कहीं पे देख रहे हो इंटरनेट पे कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम हुआ है और आपको उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस प्रोडक्ट को लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आप जस्ट प्राइस कम हो गया है इसीलिए लेना है, तो आप वेस्ट ऑफ मनी जो है वो है। आपको सेल रात 12 बजे स्टार्ट होने वाला है फॉर प्राइम मेंबर्स एंड प्लस मेंबर्स, तो आप सबसे पहले 150 रुपीज़ अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप है, और बिग बिलियन डे सेल में प्लस मेंबरशिप है वो 200 रुपीज़ है कुछ, तो आप सबसे पहले ये लीजिए, क्योंकि जो प्राइसेस रहेंगे आज रात 12 और कल रात 12 में बहुत डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स स्टॉक आउट होने के पहले ही यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए, और मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी देखना नहीं है, क्योंकि सब प्राइसेस जो रहते हैं जो प्रोडक्ट्स के वो रात 12 के बाद ही अपडेट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप मॉर्निंग में जाके शॉपिंग करोगे, तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको रात को 12 ही बजे देखना है ड्यूरिंग होल सेल। जो स्टार्ट होता है वो 12 बजे होता है रात को, बट आपने 5 मिनट पहले उस पर एक्टिव रहना है, जितने भी आपके डिवाइसेस रहेंगे, जैसे लैपटॉप रहेगा, मोबाइल रहेगा, आईपैड रहेगा, सब पे लॉग इन करके रखना है, बिकॉज क्या होता है बहुत रश होने की वजह से समटाइम्स योर ऑर्डर कैन नॉट बी टेक्स प्लेस, तो हमें रहना है एक्टिव 5 मिनट पहले, बिकॉज लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि 2-3 मिनट पहले ही सेल ऑन हो गया था और प्रोडक्ट सोल्ड आउट होने लगे थे 5 मिनट के अंदर। तो आपको पहले 5 मिनट में ही देखते रहना है कि यहाँ पे सेल स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड चीज़ जो है यहाँ पे, जैसे कि आपको जाना है आपके अकाउंट में, योर अकाउंट, और यहाँ पे आपको एड्रेसेस जो भी है, आपका परमानेंट एड्रेस जो रहेगा, आपको डिलीवरी वहाँ पे चाहिए, वो एड्रेस आपको सेव करके रखना है, बिकॉज क्या होता है कि आप एग्जैक्ट एड्रेस उस टाइम पे क्लिक करने जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे एड्रेस रहेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रह सकता है और पिन कोड का भी इशू रह सकता है, तो आपको पहले ही सब एड्रेस वगैरह पुट करके रखना है यहाँ पे। देन अगेन पेमेंट ऑप्शन में है, जैसे कि आपको पता ही है कि अमेजोन पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो है SBI क्रेडिट कार्ड्स पे और डेबिट कार्ड्स पे, तो आपको आपके दोस्त है या कोई भी आपके रिलेटिव्स है उनसे हाथ पैर जोड़ के उनसे क्रेडिट कार्ड का अरेंजमेंट करवा लो, बिकॉज क्या है कि आपके 4-5 हज़ार उसमें बचने वाले हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो 50,000 10,000 20,000, तो आपको उसके ऊपर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है विद SBI कार्ड। और उससे बात रही फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट पे एक्सिस बैंक है और ICICI बैंक है, तो आपको क्रेडिट कार्ड रेडी रखना है और पेमेंट ऑप्शन में जाके उसको ऑलरेडी डिटेल्स फिल करके रखना है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह, जस्ट CVV पुट करने का रहेगा, OTP डालने का प्रोसेस पेंडिंग रहेगा, तो आपको ये प्रोसेस रखने हैं। और उसके बाद जो मैं कहने वाला हूँ कि जैसे आपके कोई प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं तो उसको आपको रखना है कार्ट में डाल के, तो जैसे कि आप कार्ट में रखेंगे तो उसका प्राइस अगर सेल में अपडेट भी होता है तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा कार्ट में, और आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन का दिख जाएगा डायरेक्टली क्लियरली, जैसे गो टू कार्ड करते हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं प्रोसीड टू बाय का ऑप्शन आ रहा है, तो मतलब आप यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, आपके जो भी प्रोसेसेस पेंडिंग, मतलब जो प्रीवियस प्रोसेस रहेंगे, जैसे कि जो प्रोडक्ट है उसका टाइप करना यहाँ पे, देन उसको सर्च करना और उसका सेलर देखना, तो ये सब चीज़ें आपको बाईपास हो जाती है और आप डायरेक्ट प्रोसेस पेज पे जाते हो, मतलब आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ जाते हो प्रोडक्ट बाय करने के लिए, और अब प्रोडक्ट सोल्ड आउट नहीं होगा जब तक आप बाय करेंगे वो, तो आपको देखना है कि आप कौन से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, विच सेलर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि क्या है वो, तो उसको आपका रिव्यू देखना है सबसे पहले, लोगों के कमेंट्स देखने उसके ऊपर, क्या लोगों ने रिव्यू लिखा है, उसके स्टार रेटिंग्स देखने हैं, बिकॉज बहुत सारे सेलर रहेंगे उसमें प्रोडक्ट फॉल्टी आता है या कुछ डिफेक्ट रहता है, तो आपको सेलर जो है उसको देखना है कि इसका रिव्यूज कैसे है, और उसके बाद ही आपके कार्ट में ऐड करके रखना है, ताकि मेन टाइम पे आपको इसके लिए बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है या सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।